हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको टेक्निकल जी केम चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो है आप लोग अकाउंट नंबर अगर चेंज किए हैं तो फ्रेंड्स उसका जो है आपका अगर बैंक अकाउंट शो नहीं कर रहा है तो फ्रेंड्स वो आपको कैसे शो हो पाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें से जो है आप लोग अगर चेंज किए हैं, अभी तक चेंज नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स आप उसके बाद क्या प्रोसेस है उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग आ जाते हैं पीएम किसान वेबसाइट में, तो फ्रेंड्स आपको जो है पहला वाला वेबसाइट आपको दिख रहा है तो फ्रेंड्स इसी में आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर टेक्निकल जीकेएम चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के पैसे की आवश्यकता नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कि यह कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है आ जाते हैं इस वेबसाइट में, तो फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स, आपको जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो है आप देख सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो है सब डिस्ट्रिक्ट विलेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेक्ट करके जो है आप देख सकते हैं आपका विलेज का या आपका गांव का बेनिफिशियरी लिस्ट। आपका नाम भी यहाँ पर अगर है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस और कौन सा अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे जो आपका अगर आप अकाउंट नंबर चेंज कर दिए हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्प डेस्क में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर से ही आप जो है, तो फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पर से ही अगर अकाउंट नंबर चेंज किए हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ही जो है चेंज होता है अकाउंट नंबर। तो आप सिंपली आधार नंबर देके जो चेंज किए हैं उसके बाद जो है आप चेंज करने के बाद जो आप देख सकते हैं जो है क्योरी स्टेटस। तो फ्रेंड्स, क्योरी आईडी। तो फ्रेंड्स, आप अगर जो है अकाउंट नंबर चेंज करने के बाद जो आपको एक दिखा देता है जो क्योरी आईडी बोल के लिखा रहता है, 7 डिजिट का जो है नंबर है, जो एक नंबर मिलता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वो सबमिट करने के बाद जो है जो नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पर सबमिट करने के बाद जो आपको गेट डिटेल्स में क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको डिटेल्स आ जाएगा, जो आपका नाम से जिसका नाम से आप चेंज किए हैं तो फ्रेंड्स उसका डिटेल्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो है आप जो भी लिखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो शो हो जाएगा। और जो सिलेक्ट किए हैं ट्रांजेक्शन फेल या अकाउंट नंबर बंद हो गया है, कुछ भी देखे जो है आप जो है क्यू आर ए टाइप देके आप सिलेक्ट किए थे तो फ्रेंड्स वो दिख जाएगा। उसके बाद जो है डेट जो है, तो फ्रेंड्स सेम डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो देखने के बाद जो आप देख सकते हैं एफ टी ओ जनरेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एफ टी ओ जनरेशन में आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जो है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप चेक कर लीजिए जो है आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एफ टी ओ जनरेशन में आपको आ जाएगा कि आपका अकाउंट चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप चेक कर सकते हैं जो है आपका आधार नंबर है, आधार नंबर से आप स्टेटस चेक कर लीजिए जो है वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर जो है नया वाला अकाउंट नंबर अपडेट हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वो चेक करने के लिए आपको जो है पहले होम में आ जाना है। होम में आ जाने के बाद आप देख सकते हैं जो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो है सिंपली आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करने के बाद जो है आपको 3 टाइप से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली जो है आधार नंबर से सर्च कर लेते हैं। आधार नंबर से यहाँ पर जो है टाइप करने के बाद जो है आप गेट डाटा पर क्लिक कर लीजिए। गेट डाटा पर क्लिक करते ही जो है आपको आपका जो है पूरा डिटेल्स है जो आपका पूरा शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ जूम आउट करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपका पूरा डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है और कितना फेल हो गया था, तो फ्रेंड्स वो इंस्टॉलमेंट आया कि नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल जीकेएम चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए से नए अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।